कुछ समय पहले आप लोगों ने अपने देश में एक पेगासस जासूसी कांड के बारे में सुना होगा, और मुझे लगता है कि उस समय काफी ये चर्चा में भी रहा था, और इसी वजह से आपने देखा है कि हमारी संसद के सत्र भी नहीं चल पाए थे। फिर चाहे आप लोकसभा की बैठक देखिए, राज्यसभा की बैठक देखिए, दोनों जगह विपक्ष के द्वारा भारी हंगामा भी किया गया था। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन भी किया गया था। लेकिन आप सभी ये भी जानते हैं कि जो राज्य सरकारें इस तरह की समितियां बनाती हैं तो उनके पास शक्तियां क्या होती है, सीमित होती है। लेकिन आप देखिए कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया हुआ है, तो ये चर्चा में फिर से आ चुका है। तो ये आप देख लीजिए एक बार, प्यारे भारत को देख लीजिए हमारी, और एशिया में आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, और अपने पड़ोसियों के देखेंगे तो श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। याद रखिए अफगानिस्तान से हमारी वो सीमा लगती है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, किसकी, लद्दाख वाले हिस्से की, ठीक है। तो हमारी सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है क्योंकि हमारा अभी कब्जा भली पाकिस्तान का है लेकिन हमारा क्षेत्र है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर देते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर व्यक्तियों के सम्मानजनक निजी जगहों में राज्य द्वारा ताकझाँक करने की शक्ति निरंकुश नहीं है, और शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंदन की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है। और आपको बता दूं कि जब भी सरकारें इस तरह की हरकतें करती है तो वो एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम दे देती है, कहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक तरह से हमने इस तरह का काम किया हुआ है। और आप लोगों ने पहले तो ये भी देखा है कि सरकार ने ये माना ही नहीं है कि पेगासस उसने खरीदा है या नहीं खरीदा है सॉफ्टवेयर, लेकिन अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहा है कि हाँ मैंने खरीदा हुआ है एक तरह से, लेकिन इसकी जानकारी हम सबको नहीं दे सकते हैं। और देखिए एक तरह से मुझे लगता है कि बाहरी लोगों की, यानी कि आप देखिए पाकिस्तान के लोगों की अगर आप जासूसी करवाते हैं, किसी अन्य देश के लोगों की जासूसी करवाते हैं, तब तक तो आप मान लीजिए कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे ही देश के जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हों या अपने मंत्री हों या आप देखिए विपक्ष के नेता हों, अगर इनकी जांच करवाते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए खतरा रहता है। और आप सोचिए कि अगर आपके फोन की ट्रैफिंग होती है, आपकी आप देखिए आप किससे बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं या फिर किस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं, अगर ये आप देखिए कि किसी के पास पहुंचती है तो आप देखिए वो किसी उद्देश्य से ही इसकी जांच करा रहा होगा, समझ रहे हैं आप लोग, या इस तरह की टैपिंग करवा रहा होगा। और इस तरह में आपने देखा है कि विपक्ष के नेताओं की भी एक तरह से जासूसी कराई गई है, तो आप समझ सकते हैं किसने कराई होगी और इसका जासूसी का फायदा किसे मिला होगा। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अगर इस तरह का कोई मामला होता है और आपको समझना है कि इसकी जासूसी हुई है, और हुई है तो किसने करवाई हुई है, क्या किसी और देश के लोगों ने देश ने करवाई हुई है, तो आप लोग एक बात समझ जाया करिएगा कि इस जासूसी से किसका फायदा होगा, समझ रहे हैं। अगर अगर आप लोगों ने ये बात समझ ली है तो मुझे लगता है कि आप बेहतर समझ पाएंगे। या सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भी किया गया है, तो आप सबको सभी को बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट आपके राज्यों में देख लेते हैं, लेकिन एक उसके ऊपर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिसे आप लोग उच्चतम न्यायालय कहते हैं या फिर भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं आप लोग, इसकी व्यवस्था आप लोग भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 के तहत की गई है, और जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, इसमें व्यवस्था एक तरह से इसकी संरचना और अधिकार क्षेत्र की बात की गई है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत के जो उच्चतम न्यायालय है इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी, क्योंकि आप देखिए कई बार इस तरह के डायरेक्ट एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यह समिति केंद्र सरकार पर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के माध्यम से नागरिकों की जासूसी करने संबंधी लगाए जा रहे आरोपों की जांच करेगी, और इसमें आप देखेंगे अगर इसकी संबंधित प्रकरण की बात करें तो याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकों की निजता के अधिकार के उल्लंघन में स्पाईवेयर के दुरुपयोग या संभावित दुरुपयोग के बारे में शिकायत दर्ज की गई थी, और उसी के शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय लिया हुआ है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, ये तो आप सभी जानते हैं
कि आप देखिए, निजता की जब बात होती है और जब संविधान की बात होती है और जब मौलिक अधिकार की बात होती है, तो आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और आपके निजता की, यानी कि आप सोचिए, आपकी प्राइवेसी की बात की गई है। और प्राइवेसी को आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको मौलिक अधिकार बना दिया गया है, निजता का अधिकार। आप सभी जानते हैं कि इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और उस समय आपने देखा होगा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एक बात कही हुई थी, एक वाक्य कहा हुआ था कि निजता मानव और गरिमा का संवैधानिक मूल है। और आर्टिकल 21 आप लोग पढ़े हैं, तो इसमें आप लोग देखते हैं कि प्राण एवं संविधान दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इसे रखा गया है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि आर्टिकल 21 काफी महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चंस कई बार आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। एक बार आपने देखा होगा कि सिविल सर्विस में एक तरह से याद देखिए, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको एक तरह से छूट दी गई है कि आप चाहें जिससे भी शादी कर सकते हैं, लव मैरिज एक तरह से कर सकते हैं, प्रेम विवाह कर सकते हैं, लेकिन एक किस आर्टिकल के तहत आपको छूट दी गई है, संविधान में किस आर्टिकल में आपको ये छूट दी गई है, तो आर्टिकल 21 था। ठीक है, कुछ समय पूर्व जारी रिपोर्ट में पेगासस स्पाइवेयर का निरंतर उपयोग किए जाने की पुष्टि की गई थी। और इस स्पाइवेयर को एक इजराइल की कंपनी द्वारा विश्व में कई देशों की सरकारों को बेचा जाता है। और एक बात और भी है दिलचस्प, आप देखिए कि इस कंपनी का, इजरायली कंपनी का कहना है कि मैं किसी निजी व्यक्ति को एक तरह से सॉफ्टवेयर नहीं देता हूं, मैं केवल सरकारों को ही देता हूं। और मुझे लगता है कि सरकारों को खरीदना चाहिए, फिर चाहे हमारी भारत सरकार हो। और आप देखिए, दूसरे देशों की एक तरह से लोगों की जांच करवाना अच्छी बात है। मैं अच्छी बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, आप देखिए पाकिस्तान में आप देखते हैं किस तरह की हरकत होती रहती है, हमारे देश में आप देखते हैं किस तरह की घुसपैठ होती रहती है। अगर इन लोगों की, आप देखिए, बातों का पर्दाफाश होता है और इनकी जांच होती है, तब तक तो ठीक है। लेकिन आप देखिए कि हमारी सरकार इस सॉफ्टवेयर को खरीदती है और हमारे ही लोगों की एक तरह से जांच करवाने लगती है। अब देखिए, अगर आप सोचिए कि जो केंद्र में सरकार बैठी हो, वो आप देखिए विपक्ष के नेताओं की जांच करवाने लग जाए, उनकी रणनीति को समझ जाए कि चुनाव में किस तरह से वो लोग उतर रहे हैं, उनके बीच क्या बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये तो आप देखिए उनकी निजता का उल्लंघन किया जा रहा है। और आप में से कई लोग ये भी पूछते रहते हैं कि ये डेटा को क्या होता है, ये निजता क्या होती है, तो आपको एक सामान्य उदाहरण से बताता हूं मैं। आप बताइए कि आप देखिए, मान लीजिए कि आप लोग कॉल किसी से कर रहे हैं, या फिर आप लोग चैटिंग भी करते रहते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर, या आप देखिए कि आपका इंस्टाग्राम से, और आप देखिए आप दोनों के बीच बात हो रही है और प्राइवेट बात है, और आप चाहते हैं कि वो बात किसी और के पास वो जानकारी ना पहुंच जाए। और आप देखिए कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करता है और आप दोनों के बीच हुई बात को ले जाता है, और उस बात, उस लीक होने, उस जानकारी की लीक होने से आपकी जिंदगी पर कोई प्रभाव पड़े, तो आप सोचिए क्या होगा आपके साथ। तो इसी ही को एक तरह से आप लोग डेटा कह देते हैं, इसी की चोरी होने की एक तरह से समस्या बनी रहती है। फिर आप देखते हैं कि आप लोग कोई मैसेज डाल रहे हैं, कोई फोटो आई हुई है, अगर वो चली जाती है, ठीक है, या फिर आपके देखते हैं कि आप लोग एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस तरह के कुछ होते हैं, तो उनकी भी जानकारी अगर कहीं पहुंच जाती है। जिन फोनों को इस पेगासस स्पाइवेयर के द्वारा लक्षित किया जाता है, उनकी तरह ही इस स्पाइवेयर को भी अपडेट किया गया है और अब नई जासूसी क्षमताओं से युक्त भी है। आप सभी जानते हैं कि अपडेट होता रहता है, और अब आप देखिए कि बहुत बेहतर तकनीक इसने अपडेट कर ली है। ये पेगासस आखिर है क्या? तो यह एनएसओ ग्रुप, यानी कि नामक एक इजरायली फार्म द्वारा विकसित किया गया एक स्पाईवेयर टूल, यानी कि जासूसी उपकरण है। और यह स्पाईवेयर लोगों के फोन के माध्यम से उनकी जासूसी करता है। और पेगासस किसी उपयोगकर्ता के फोन पर एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजता है, और यदि वह लक्षित उपयोगकर्ता उस लिंक पर क्लिक करता है, तो उसके फोन पर मेलवेयर या फिर जासूसी करने में सक्षम कोड इंस्टॉल हो
हो जाता है। और इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा कि आपके फोन पर भी मैसेज आता रहता है, और आपने देखा होगा कि आपके जीमेल पर भी इस तरह के मैसेज आते रहते हैं और आपको लिंक देते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की एक तरह से, उसी तरह से आप देखिए, इस सॉफ्टवेयर को भी आपके फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। और एक बार पेगासस इंस्टॉल हो जाता है आपके फोन में, तो हमलावर के पास लक्षित उपयोगकर्ता के फोन पर नियंत्रण और पहुंच हो जाती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका पूरा फोन सामने वाले के कंट्रोल में पहुंच जाएगा। वहीं अगर हम लोग पेगासस की क्षमताओं की बात करें, तो पेगासस लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग ऐप से लक्षित व्यक्ति का निजी डेटा, उसके पासवर्ड, संपर्क सूची, कैलेंडर इवेंट, टेस्ट संदेश यानी कि मैसेज, लाइव वॉइस कॉल आदि को हमलावर के पास पहुंचा सकता है। और आप लोग खुद सोच के देख लीजिए, इस तरह की अगर जानकारी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग किस निजता की बात कर रहा हूं मैं। और यह जासूसी के दायरे का विस्तार करते हुए फोन के आसपास की सभी गतिविधियों को कैप्चर करने के लिए लक्षित व्यक्ति के फोन कैमरा और माइक्रोफोन को चालू कर सकता है। और आप लोगों ने, मुझे लगता है कि इस तरह की मूवियां भी देखी होंगी, कि आप देखिए उसका कैमरा ऑन हो जाता है और आपको दिखता ही दे रहे देखता रहेगा, उसे मालूम नहीं चल पाएगा कि उसका कैमरा ऑन है, लेकिन आप देखेंगे कि सामने वाला हमलावर जो होगा उसे मालूम रहेगा कि ये कहाँ जा रहा है, कैमरा के सामने क्या हो रहा है। ठीक है, जीरो क्लिक अटैक क्या होता है, और ये भी काफी चर्चा में बना हुआ था उस समय। जीरो क्लिक अटैक पेगासस जैसे स्पाईवेयर को बिना किसी मानवीय संपर्क या मानवीय त्रुटि के लक्षित डिवाइस पर नियंत्रण हासिल करने में मदद करता है। और ये भी अब तो सुनने में आया हुआ है कि पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इतना अपडेट हो चुका है, अब तो आपको क्लिक लिंक पर क्लिक भी नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए, उनके तरफ से एक मैसेज आता है, एक मिस कॉल आती है, और आपके फोन में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से कुछ भी कर रहे हैं तो किया करिएगा फोन में, क्योंकि जितनी इस तकनीक का लाभ हुआ उतना ही नुकसान हो सकता है। तो जब लक्षित डिवाइस की सिस्टम बन जाता है, तो फिशिंग हमले से कैसे बचा जाए या कौन से लिंक पर क्लिक नहीं करना है, इस बारे में सभी तरह की जागरूकता व्यर्थ साबित हो जाती है। और इनमें आप दे इनमें से अधिकतर जीरो क्लिक अटैक किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा डिवाइस पर प्राप्त हुआ डेटा की विश्वसनीयता निर्धारित करने से पहले ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं। और आप सभी देखते हैं कि एप्पल फोन को सबसे एक तरह से आप प्राइवेट फोन माना जा सकता है, या इसके सॉफ्टवेयर को आप कह सकते हैं कि इसमें कोई हमलावर नहीं हो सकता है, कोई वायरस काम नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल ये भी माना जा रहा है कि जो आप देखेंगे पेगासस का स्पाईवेयर का जो नया अपडेट आया हुआ था, ये आपका एप्पल के फोन पर भी हमलावर हो सकता है, उससे भी जानकारी चुरा सकता है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। एक आप लोग सुनते हैं मेलवेयर, एक आप ट्रोजन, और एक वायरस, एक वर्म। इसमें अगर हम लोग मेलवेयर की बात करें, तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से अवांछित अवैध कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर होता है, और इसे दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले सॉफ्टवेयर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। और मेलवेयर को उसके निष्पादन, प्रसार और कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके कुछ प्रकारों की चर्चा भी की गई है। एक आप देखिए वायरस, यह एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम को उनमें अपनी ही एक संभावित विकसित प्रतिलिपि शामिल करके संशोधित और संक्रमित कर सकता है। और आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास टैबलेट होगा, या आपके पास मोबाइल होगा, या आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप भी होंगे, तो आप लोग एक एंटीवायरस भी डलवाते हैं, ठीक है, वायरस से बचने के लिए। एक आप लोग वार्म से भी सुनते होंगे, यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होते हैं, और यह कंप्यूटर वर्म्स वायरस के विपरीत वैध फाइलों में घुसपैठ करने की बजाय एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में खुद को कॉपी करते हैं। एक आप लोग ट्रोजन, ट्रोजन या फिर आप लोग ऐसे ट्रोजन भी कहते हैं, हॉर्स, एक ऐसा प्रोग्राम होते हैं जो आमतौर पर किसी सिस्टम की सुरक्षा को बाधित करते हैं, और ट्रोजन का उपयोग सुरक्षित नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटरों पर बैकडोर बनाने के लिए किया जाता है, ताकि हैकर सुरक्षित नेटवर्क तक अपनी पहुंच बना सके। एक आप लोगों ने हॉक्स भी सुना होगा, यह एक ईमेल के रूप में होता है, और उपयोगकर्ता को उसके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाली किसी सिस्टम के बारे में चेतावनी देता है,
और इसके बाद यह ईमेल संदेश उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाने वाले सिस्टम को ठीक करने के लिए एक प्रोग्राम यानी कि अक्सर डाउनलोड करने के लिए चालू करने का निर्देश देता है। और जैसे ही यह प्रोग्राम चालू या रन किया जाता है, यह सिस्टम पर हमला कर देता है और महत्वपूर्ण फाइलों को मिटा देता है। और इस तरह का आप देखते होंगे होक्स तभी दिखाई देगा आपको जब आप लोग नेट यूज कर रहे होंगे, आप कोई वेबसाइट खोल रहे होंगे। और एक आप स्पाइवेयर की बात करें तो यह कंप्यूटर पर हमला करने वाले प्रोग्राम होते हैं, और जैसा कि इसके नाम का तात्पर्य होता है, ये बिना सहमति के उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। और स्पाइवेयर आमतौर पर वास्तविक ईमेल आईडी गैर संदेहस्पद ईमेल के माध्यम से अग्रेषित यानी कि भेजा जाता है, और स्पाइवेयर दुनिया भर में लाखों कंप्यूटरों को संक्रमित करते रहते हैं। और हमारे ही देश में नहीं, आप देखिए कई, जब इस पेगासस की जासूसी की बात हुई तो कई देशों के लोगों के नाम उभर के आए हुए थे। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि 50,000 लोगों के एक तरह से नंबरों का एक तरह से जासूसी की गई थी, दुनिया भर के लोगों की बात करें, जिसमें आप देखेंगे हमारे देश के भी कई महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थी इसमें। तो यही कहानी है आपकी पेगासस जासूसी कांड की।